5। आपके घर में 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 का नोट तो होगा ही। क्या आपने कभी अपने पास रखे इस नोट को ध्यान से देखा है? क्या आप जानते हैं कि आपके नोट पर कितनी भाषाएं हैं और वो भाषाएं क्यों हैं? चलिए आज आपको बताते हैं कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं प्रिंट होती हैं और इतनी भाषाओं को छापने की वजह क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की वेबसाइट के मुताबिक एक भारतीय नोट पर 17 भाषाएं प्रिंट होती हैं। इंग्लिश और हिंदी सामने की तरफ होती है तो नोट की पीछे की तरफ 15 भाषाएं प्रिंट होती हैं। भारतीय संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला और देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में इन सभी भाषाओं को नोट पर प्राथमिकता दी गई है। फैक्ट 4। दोस्तों क्या आप जानते हैं जर्मनी का हिल्गरमेसन दुनिया का इकलौता शहर है जिसके सड़कों और चौराहों का कोई नाम नहीं है। यहाँ डिलीवरी और अन्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए फरवरी 2019 शहरों के नाम रखने के पक्ष में वोटिंग कराई गई थी, लेकिन 60% वोटर्स ने इसके विरोध में वोट दिया था, जिससे आज भी इस शहर का कोई नाम नहीं है। फैक्ट 3। 1967 में शिकागो के एक घर में प्लमर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नई की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। यह इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रॉब मोटरसाइकिल नाम दिया गया। ट्रॉब मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। फैक्ट 2। 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट्स की तस्वीरें भी जारी की थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का UFO बताया था तो कुछ का मानना था इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये असल में क्या था इसका आज भी पता नहीं चल पाया। फैक्ट 1। ऐसा माना जाता है कि भारत में शादी के बाद लड़की की पहचान बदल जाती है। सभी सरकारी दस्तावेजों से लेकर पहचान पत्र में पिता की जगह पति का नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन क्या आपने पैन कार्ड को गौर से देखा है? यही एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें शादी के बाद भी पति का नाम दर्ज नहीं होता बल्कि इसमें पिता का नाम होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पैन कार्ड में ऐसा क्यों किया जाता है। दरअसल अगर किसी महिला के पति की किसी भी वजह से मौत हो जाती है तो ज्यादातर मामलों में वह दोबारा शादी कर लेती हैं, तो इस मामले में महिला के पति का नाम बदल दिया जाता है। यही कारण है कि पति के नाम की जगह विवाहित महिला के पैन कार्ड पर पिता का नाम लिखा होता है।